सो लड़कियाँ, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं व्यू के V23 प्रो डिवाइस के अंदर आप स्पीड स्क्रीन सेटिंग्स का यूज़ कैसे कर सकते हैं। स्पीड स्क्रीन सेटिंग्स काफ़ी इंपॉर्टेंट सेटिंग्स है और आप इसे यूज़ करके अपने स्क्रीन को दो स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलो आप डेमो करते हैं और आपको दिखाते हैं कैसे यूज़ करना अपने फ़ोन के अंदर स्पीड स्क्रीन सेटिंग्स का। उसके लिए जैसे हम अपने सेटिंग्स को ओपन करेंगे तो हमारी सेटिंग्स यहाँ पर है। अगर आप चाहें तो शॉर्टकट के अंदर यूज़ कर सकते हो, लाइक रिसेंटली यूज़ करना है स्पीड स्क्रीन तो आपको सर्च बटन मिलता है, ऑलमोस्ट सभी फ़ोनों में होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पर सर्च करना है स्मार्ट स्पीड। जैसे मैंने यहाँ पर स्मार्ट स्पीड सर्च कर दिया। अब आप अगर देखेंगे तो स्मार्ट स्पीड का हमारे पास ऐप इन्फॉर्मेशन और यहाँ पर स्पीड करने का सेटिंग्स हमें मेन मिल जाता है। इसको हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर सेटिंग्स शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी वाला ऑप्शंस के अंदर भी आपको देखने को मिलता है। इसको हम यहाँ से क्लिक करेंगे, इजीली अपने फ़ोन के स्मार्ट स्पीड सेटिंग्स में हम इंटर हो जाएंगे, जहाँ पर हमें दो ऑप्शंस हैं, दोनों के अंदर हमें जो है ये स्पीड करने का ऑप्शंस बताया गया है। तो आगे हम आपको बताएंगे। हालांकि अगर आप चाहें तो मैनुअल यूज़ करना, तो उसके लिए बैक आएंगे, नीचे आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके एक ऑप्शन मिलेगा शॉर्टकट एंड एक्सेसिबिलिटी। आप जस्ट इस सेटिंग्स को क्लिक कर लेना। इसके बाद हमें सेकंड नंबर मिलता है स्मार्ट स्पीड, तो हम इसे यहां से क्लिक करेंगे। अगेन हम उसी सेटिंग्स पर आ जाएंगे जहां पर इनेबल स्पीड स्क्रीन का ऑप्शन है, इस पर हम क्लिक करेंगे। यहां पर हमारे पास थ्री फिंगर का यूज करके भी स्क्रीन को स्पीड कर सकते हैं, हालांकि इसको अभी हम डेमो भी करके आपको दिखाएंगे। इसको साइड में स्क्रॉल करेंगे थोड़ा सा तो हमें एक ऑप्शन और भी मिलता है जो है रिसेंट एप्लीकेशन भी स्पीड स्क्रीन करना। इसके बारे में भी आगे आपको बता देंगे डेमो करके। अगर हम साइड में स्क्रॉल करें तो उसका एक कंट्रोल सेंटर भी आता है, आप कंट्रोल सेंटर से भी स्पीड कर सकते हो इसको। और यहाँ पर अगर क्लिक करेंगे तो आप इस तरह से भी क्लिक करके आइकन्स पे भी इसे स्पीड कर सकते हैं। हालांकि थ्री फिंगर के यूज़ करने के लिए आपको यहाँ पर स्वाइप अप विथ थ्री फिंगर टू स्पीड स्क्रीन इसे आपको ऑन करना है। अगर ये ऑफ है तो आप यहाँ से इजीली से ऑन करिए। इसके बाद मैसेज स्क्रीन स्पीड जो यहाँ पर आपको दिख रहा है अभी लाइव स्क्वेयर, तो आप इसके लिए जस्ट ये ऑप्शन अगर ऑफ है तो आप इसे यहाँ से ऑन कर लेना। जैसे आप इन सभी ऑप्शन को ऑन कर लेंगे, अब हम आपको बताते हैं यूज़ कैसे करना है स्पीड स्क्रीन। देखो सबसे पहले मैसेज स्क्रीन स्पीड की बात कर लेते हैं। मैसेज अगर कोई आता है आपको इस तरीके से, देखो आप कोई फोन्स को यूज़ कर रहे हो, अगर इन एप्लीकेशन में से किसी भी एप्लीकेशन का कोई मैसेज आता है और आपको आइकन इस तरह का कुछ दिखता है, तो आप जैसे उसमें क्लिक करेंगे तो आपका फोन जो है प्रॉपर स्पीड स्क्रीन के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपको करना नहीं है उसके लिए, सिर्फ आपको उसे क्लिक करना है। लेकिन अगर आप यहाँ पर आते हैं, आप इस कंट्रोल सेंटर का यूज़ करना चाहें स्पीड स्क्रीन के लिए, तो नीचे स्क्रॉल डाउन करना। इसके बाद साइड में स्क्रॉल करेंगे तो एक ऑप्शन यहाँ पर आपको स्पीड स्क्रीन का मिलता है, लोकेशन के जस्ट नीचे देखेंगे तो यहाँ स्पीड स्क्रीन ऑप्शन मिल जाता है। जरूरी नहीं जहां पर मेरा ऑप्शन है वहीं पर आपको मिले, आप इस पर भी कर देंगे, आप कहीं भी आपको मिल सकता है, ऐसा नहीं कि यहीं पर है आपको मिलेगा। तो एक बार ट्राई कर लेना, इसका कंट्रोल सेंटर भी आता है स्पीड स्क्रीन करने के लिए। अगर आप यहाँ पर ऑप्शंस को यहाँ पर थोड़ा सा साइड में करें तो यहाँ पर आपको बैकग्राउंड का जो एप्लीकेशन रिसेंट होता है, आप वहाँ से भी अपने फोन को स्पीड स्क्रीन में कन्वर्ट कर सकती हैं। तो उसके लिए आप यहाँ पर करेंगे बैकग्राउंड में आएंगे। हालांकि कोई बाय डिफॉल्ट कुछ थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस होती है उस पर जो है ऑलमोस्ट सभी पे तो स्पीड स्क्रीन कन्वर्ट हो जाता है, लेकिन जो इसका बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स होता है या फिर कुछ ऐसे एप्लीकेशंस होते हैं जिस पर स्पीड स्क्रीन नहीं कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम सेटिंग्स पे स्पीड स्क्रीन करना चाहते तो उसको पॉसिबल नहीं कर सकते, लेकिन गूगल प्ले स्टोर पर हम कर सकते हैं। मे बी शायद इसको हम ट्राई करेंगे। गूगल प्ले स्टोर के जस्ट से सामने देखेंगे तो यहाँ पर एक एरो बनी हुई है, इसको हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लॉकडाउन का ऑप्शन है। एक्चुअली लॉकडाउन का ऑप्शन दिया गया है, लॉक का ऑप्शन है। यहाँ पर ऐप इन्फॉर्मेशन है और यहाँ पर स्पीड स्क्रीन है और यहाँ पर पिन है। आप चाहे तो इस एप्लीकेशन को पिन कर सकते हैं, लेकिन स्पीड स्क्रीन करने के लिए हम स्पीड स्क्रीन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा जो फोन है प्रॉपरली स्पीड स्क्रीन के साथ ओपन हो जाएगा। आप इस सेटिंग्स को थ्री फिंगर का यूज़ कर सकते हो। थ्री फिंगर के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर आना, आपको देख सकते हो थ्री फिंगर के लिए हम इस तरह से नीचे से ऊपर ड्रैग करना है। तो मैं इसे करता हूँ यूट्यूब के साथ, यहाँ पर YouTube को हम क्लिक करेंगे और थ्री फिंगर को हम ऊपर कर देंगे। हमारा जो स्क्रीन है प्रॉपरली देख सकते हो स्पीड स्क्रीन के साथ कन्वर्ट हो चुका है। तो कुछ ऐसे ही इन स्पीड स्क्रीन ऑप्शंस का यूज़ किया जाता है। हालांकि मैंने आपको जो स्पीड स्क्रीन के ऑप्शंस थे सबको बता दिया है, लेकिन अगर यहाँ पर बैक करके देखेंगे तो रिकमेंडेड स्क्रीन स्पीड का ऑप्शन है, इसको भी आप देख सकते हो। रिकमेंडेड में क्या होगा कि अगर इसको ऑन कर देते हैं तो जब स्पीड स्क्रीन आप कर देंगे तो वहाँ पर कुछ एप्लीकेशन आपको इस तरह से हाईलाइट हो रहा है, जो वो एप्लीकेशन आएंगे तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो स्पीड स्क्रीन के साथ यूज होते हैं। एक्चुअली उतना ज़्यादा बेटर नहीं है, अगर आप चाहें तो आप इसे भी ऑन कर सकते हैं। सो आई होप गाइस आप समझ गए होंगे कैसे यूज करना है स्पीड स्क्रीन सेटिंग्स का अपने फोन के अंदर। लेकिन अगर आपके मन में फिर भी इसके रिगार्डिंग कोई कंफ्यूजन वगैरह है तो नीचे कमेंट सेक्शन है, आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं।